ধন্যবাদ নেন। অতিথিদের ভাই ও বহিন ও নজন ছাত্র, আজ সংবিধান দিবস কে উপলক্ষ মে মে আপনি ওর সে আপ সবকো বহুত বহুত বধাই আর শুভকামনা দেনা চাহতা হুম। সংবিধান কা ক্যা মহত্ব হ্যায় ও বতা নেই যা সকতা নেই। মুঝে খুশি হ্যায় কি হাম সবনে এক সঙ্গ মিল করকে ভারতীয় সংবিধান কি প্রস্তাবনা প্রেমবন্ধ কো এক সাথ মে হমনে পুনঃ দোহরা করকে উনকি ভাবনাও কো সমঝনে কা ওর অধিক গহরে সে প্রয়াস কিয়া, জিসকি আজ নিতান্ত আবশ্যকতা দেশ কো। কিছু ভি মুল্ক কা সংবিধান और विशेष रूप से हमारे मुल्क का संविधान जो बना, दुनिया भर के अंदर दुनिया भर के मुल्कों के संविधान की का अध्ययन होकर के उसके बाद में बनाया गया। बनाने वाले आज हमारे बीच में नहीं हैं, जाट कमेटी चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उस जमाने में मुल्क आजाद हो रहा था तो महात्मा गांधी के सानिध्य में जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, उन दिग्गजों ने जो सपना देखा था देश के लिए कि मुल्क अनेकता में एकता वाला मुल्क है, और उसी रूप में संविधान बनाने का प्रयास किया गया। बाद में वक्त आया कि एक बार क्षेत्र के अंदर बहुत 42 से संविधान संशोधन किया गया, जब समाजवाद धर्म निरपेक्षता की बात जोड़ी गई। अब तो करीब करीब मेरे ख्याल में 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं, पर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज आज़ादी के 73 साल के बाद में भी जिस प्रकार यहाँ पर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका काम कर रही है और संतुलन रखने का प्रयास किया गया, चुनौती की आई होगी कई बार, तब भी हमारे यहाँ आज संविधान की मूल भावना के आधार पर शासन, प्रशासन, न्यायपालिका अपना काम कर रही है, लोकतंत्र कायम रहा, इसका श्रेय भी संविधान को जाता है। वो कम बात नहीं कि हम लोग सौभाग्यशाली या हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ में आज़ाद हुए थे, वहाँ बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्रियों को जेल, एक प्रधानमंत्री जुल्फिकारी भुट्टो को तो जेल भी भेजा गया, बाद में फांसी लगा दी गई। हमारे मुल्क में विश्व रूप में निर्माण हुआ देश का, आर्यावर्त में कुछ भी नहीं था, यहाँ 33 करोड़ की आबादी थी, ना बिजली क्या होती लोग समझते थे, सोई नहीं बनती थी, बाहर जाती थी, जिस रूप में उस वक्त के जो दिग्गज महापुरुष हो रही और आ जाने के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस प्रकार से प्रथम प्रधानमंत्री बने, वो संविधान की मूल भावना को सामने रखकर के शासन किया और इस रूप में निर्माण हुआ देश का, वो आज हम सबके सामने है। अभी एक चीज कह रहे थे आपको, ये हम लोगों ने तय किया है, भारत सरकार की एडवाइजरी भी थी कि एक दिन का, दो दिन का सत्र बुलाया जाए विधानसभा का। हम लोग 28-29 तारीख को बैठेंगे विधानसभा के अंदर, अमेरिका के देश के अंदर एक तो यूपी के अंदर हो रहा है, एक राजस्थान के अंदर हो रहा है और कहीं पे भी हो रहा है। आप
बोल सकते हैं राजस्थान सरकार का संकल्प है कि राजस्थान के आम नागरिक तक भावना पहुंचे संविधान की मूल भावना क्या थी। अगर प्रत्येक नागरिक संविधान का सम्मान करना सीख जाएगा तो अधिकांश समस्या सदैव समाप्त हो जाएगी। मूल भावना ही है, एक एक शब्द जो लिखा गया है उसके मायने निकलते हैं, जितने गहरे में जाएंगे उतना ज़्यादा उस मायने को समझने का एहसास होगा। तो जितनी समस्याएं सामने आती है हर नागरिक जैसे जंगल मन जब होता है तो किस प्रकार से हर नागरिक खड़े होकर अनुशासन कैसे देता है, उसी रूप में अगर संविधान की तमाम मूल भावनाएं हैं जो मैं संदेश देती है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, किस प्रकार फिल्म लिखा गया सोच समझ करके, और उस रूप में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राजस्थान में हमेशा ये प्रयास किया गया कि हम जो हमारे देश की मूल संस्कृति है, संस्कार है, परंपरा है, उसको आगे लेकर चले। हम लोगों ने भी यहाँ कई कानून बनाने का प्रयास किया, लोक सेवा गारंटी एक्ट बनाया, हम लोगों ने राइट टू हेयरिंग एक्ट बनाया, ट्रांसपेरेंसी एक्ट बनाया, स्पेशल कोर्ट्स एक्ट बनाया जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, आय से अधिक संपत्ति तो उनके अलग कोर्ट बने, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सबसे पहले देश में बना। तो शायद आपको मालूम होगा कि पूरे देश के अंदर जब आपके आशीर्वाद से मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री था तब हमने सूचना का अधिकार इस राजस्थान में लागू किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। तमाम बातें जितनी कही उतनी कम है, पर मेरा मानना है वसुदेव कुटुंबकम की भावना सामने रखें, जय जगत की भावना सामने रखें और संगीत भावना से ऊपर उठ कर के काम करेंगे तो हमारे देश का जो मान सम्मान प्रतिष्ठा पूरे विश्व में जो बनी हुई है और आगे बढ़ेगी, मजबूत होगी। कुछ बातें ऐसी है जिसमें पेंडेंसी की बात आती है, संविधान तो बना है पर कुछ हम लोगों की कमी है, कमजोरी हैं, उस सिस्टम में कमी होगी जिसके कारण से आज मैं 10 साल से बात कर रहा था तो लाखों केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, लाखों केसेस। तो न्याय तो तब मिलेगा, सच्चा न्याय तब आप सही समय में निर्णय हो, सही समय में न्याय मिले। 3 लाख से अधिक केसेस पेंडिंग राजस्थान में, 3 लाख से अधिक केसेस, 17,80,000 केसेस लोअर कोर्ट में पेंडिंग, 17,80,000, हाईकोर्ट में 3,70,000 केस पेंडिंग है, जजेज की हाईकोर्ट में मेरे ख्याल 20-25 जज की कमी है, 25 ज़्यादा हो गए, 30 जज कटे। और अगर मुझे बताया जाए 47 ADJ जज बनाने के लिए विज्ञापन हुआ, 5 सेलेक्ट हुए खाली। ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे असेंबली के अंदर भी, किस प्रकार से हम विधायिका और कार्यपालिका का मिलकर के न्यायपालिका को सहयोग कर सकते हैं। मेरे वक्त में इतिहास गवाह कि जब जब मैं मुख्यमंत्री बना, तीसरी बार बना हूँ मैं, पर जुडिशरी के प्रस्ताव जो मेरे पास आए हैं माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा, हमने करीब करीब सब उनको प्रयास कर पूरा करने का प्रयास किया, ये हमारा रिकॉर्ड है राजस्थान के अंदर। तब भी अनिल शर्मा जी बैठे हैं यहाँ पर, जयपुर वाराणसी के अध्यक्ष कहाँ बैठे हो, ये बैठे हैं, हालात बड़े गंभीर हैं, हालात बड़े गंभीर हैं, दूर कोड़े हालात बड़े गंभीर हैं।
शनिता बैठे हैं, अधिक बार कौन चुकी है। पर मैं चाहूंगा कि राजस्थान में कम से कम हम लोग सब मिलकर के जो नई पीढ़ी आ रही है ईश्वर बैठे हुए हैं, अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा पहले वाला जो गली लेकर चांद लगा के हुआ करते थे, आकाश होकर पढ़ते रहते थे, पिछड़ा वाला राजस्थान माना जाता था। अब तो यहाँ पर एम्स आ गया, IIT आ गई, ट्रिपल IIT आ गई, IIM आ गया, जुडिशियल एकेडमी आ गई, राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, CGI आ रहे हैं 7 तारीख को जोधपुर के अंदर, नया शानदार देखने लायक हाईकोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन होगा और जुडिशरी की जो जितने अंग है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये तमाम अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। तो राजस्थान सरकार यहाँ पे जुडिशरी के हमारे जितने संस्थान हैं, हम लोग सब मिलकर के चाहेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार न्याय सुनिश्चित हो, समय पर न्याय सुनिश्चित हो। तो आंकड़े देख के भय लगता है कि इतने बड़े पेंडिंग कैसे, इसके लिए तो कोई विशेष मेरे ख्याल से कोई तरीका निकाला जाए राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि सुनते सुनते तो सालों हो गए। पेंडेंसी का काम है 40 साल करीब पहले गया हुआ पार्लियामेंट के अंदर, 80 के अंदर 39 साल हो गए मुझे, तब से सुन रहा हूँ कि राजस्थान देश भर में हाईकोर्ट जजेज की वैकेंसी बनी रहती है। अभी भी मेरे ख्याल 60 हाईकोर्ट जजेज की वैकेंसी 30 साल राजस्थान में बता रहे हो, पूरे देश में पता नहीं कितनी होगी। तो कैसे न्याय मिलेगा लोगों को? और लोग क्या देखते हैं कि कार्यपालिका में काम नहीं हुआ, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो कहाँ जाए? तो जुडिशरी तो देखता है आशा भरी निगाहों से। और जुडिशरी में जो न्याय टाइम पे नहीं मिलता है, आप सोच सकते हो क्या बीतती होगी उसके ऊपर। वहाँ पर संविधान की जो मूल भावना है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि संविधान बना हुआ उसके बावजूद भी हमारी स्थिति बनी हुई है, न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? इसलिए ये मुबारक मौका तो है, इस मुबारक मौके पर आप जज साहबान बैठे हैं, आपने तो अपनी बात कह दी, तो हम लोग तो राजनीति में हैं, हम लोगों को तो जनता की भावनाओं को रिप्रेजेंट करना ही पड़ता है। आपकी सीमा है कमेंट करने की भी, अपनी बात कहने की भी। हम चाहेंगे जनता को कैसे भावना आपकी भी न्याय दिलाने की है, पर सुशासन कैसे हो? यदि मैंने कहा संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रशासन होना चाहिए, तो उसमें सब बात आती है किस प्रकार जुडिशरी की भूमिका उस रूप में हो जिससे कि लोगों को समय पर न्याय मिले। मैं कोई आप लोगों को दोष नहीं देता, सिस्टम के कहीं कहीं कमी है जिसके कारण से आज सरकारें कहीं आई है गई है, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करता, पर क्या कारण है कि हम हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर पाते? मेरे ख्याल सभा के इतने सुप्रीम कोर्ट तो करीब करीब पूरा भर गया दिखता है, एक आधा दिन मेरे ख्याल कम है वहाँ पे, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। पर हाईकोर्ट में जो आपके सब जगह हाईकोर्ट में जजेस की बहुत कमी है, वो तरीका निकले जिससे कि इस दिशा में लोगों को न्याय समय पर मिल सके और ज़्यादा मजबूती के साथ में संविधान को लेकर जो हमारा संकल्प है उस पर हम लोग आगे बढ़ सके। मैं इस मौके पर आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारी सरकार जिसको आपने आशीर्वाद दिया है आने वाले वक्त में कोई कमी नहीं रखेगी। हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे जो लॉ यूनिवर्सिटी बनी है जोधपुर के अंदर, उसके बाद में आज वो राष्ट्रीय स्तर की बन गई है, तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, उसके बाद में एक माहौल बदला है, लॉ स्टूडेंट भी ज़्यादा आने लगे हैं। तो आने वाले वक्त में जो सुझाव हाईकोर्ट में देगा उसके आधार पर हम लोग
कोई कमी नहीं रखेंगे और प्रयास करेंगे किस प्रकार से हम लोग सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। आप सब यहाँ पर आए हैं और मैं आप सबको पुनः मुबारकबाद देता हूँ। जो छात्र बैठे हैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और क्योंकि मुबारक मौका संविधान का, जब साहबान बैठे हैं तो उचित नहीं समझता कि मेरे मुँह से ऐसी बात निकले जो इस ऑकेजन के अनुकूल नहीं हो। कहने को बहुत सारी बात है, देश में जो माहौल बना हुआ है उसको लेके बैठे तो घंटे भर बात करने कम पड़ेगा। हालात बड़े गंभीर हैं, वो आप लोग रोज सुनते होंगे, मुझे पढ़ते होंगे, कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ। जब मौका लगता मैं बोल ही देता हूँ और कमी रखूँगा भी नहीं। राजहित में, राजहित में राज्य हित में मेरे ख्याल से मेरी जिम्मेवारी भी है कि राजस्थान की जनता ने अगर मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया है, तीन बार मैं केंद्रीय मंत्री रहा, पांच बार मैं पार्लियामेंट मेंबर रहा, तीन बार मैं प्रदेश कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा मेरे राजस्थान कांग्रेस का, और दो बार मैं आज श्री के महामंत्री रहा, तो मैं हमेशा कोई भी पद पर रहा हूँ। और तीसरी बार मैं प्रथम सेवक बना हूँ राजस्थान का। मेरी ड्यूटी है कि आप मुझे जब कभी सुने मेरे फेसबुक पर या देखें आप ट्विटर पर या मीडिया में, तो मान के चलो उसमें मैं कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी बातें असेंबली में जब बैठेंगे तब करेंगे, ये बात करता हूँ मैं, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हमारी शक्ति, हमारी पहचान, हमारा संविधान। तो संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम में यहाँ बिरला ऑडिटोरियम से सीधा अपने सीएम गहलोत को सुना, जहाँ पर संविधान जो देश की मूल भावना संस्कृति को लेकर सहेजने का काम करता है, उन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए, और आखिर हिंदुस्तान ने जिस तरीके से विकास का जो पूरा रास्ता तय किया है उसमें देश के संविधान का ही सबसे बड़ा योगदान है। छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना, फौरन लौटते हैं।